कर लिए अच्छे से। अभी हम ये वाला डंठा नहीं लेंगे, डंठे को बाद में हम सब्जी में यूज कर लेंगे। जैसे छोटे छोटे टुकड़े करने हैं, अगर कद्दूकस में करेंगे तो जल्दी होएगा। अभी हम कढ़ाई रख दिए हैं गरम होने के लिए, कढ़ाई गरम है, इसमें हम तेल नहीं डाले हैं, मूंगफली सूखा ही भूजेंगे। हल्का ब्राउन हो जाए हम तब तक भूनेंगे, ब्राउन होने तक। हमने गोभी को छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, अच्छे से काट लिए हैं, और ये मूंगफली को भी हमने भून लिया। अब मूंगफली को हम थोड़ा ठंडा करेंगे, छिलका निकलता है तो अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो भी टेस्टी बनेगा, छिलका तो और फायदा करते हैं। अभी हम इसको ठंडा करके मिक्सर में ग्राइंड करेंगे। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो उस पर भी दर हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स लोग, हम लहसुन और अदरक मिर्ची को हम छोटा छोटा करके डाल रहे हैं। अब हम इसके सहारे से कूटेंगे। पेस्ट बना लिए हमने, पेस्ट बना लिए। अब हम कढ़ाई रख दिए गरम होने के लिए, कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं। दो बड़ा चम्मच हमने तेल डाले हैं, तेल गरम है। अब हम पंचफोरन डालेंगे। उसके बाद कड़ी पत्ता डाल रहे हैं। पंचफोरन कड़ी पत्ता हो गया। अब हम अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डाल रहे हैं। ध्यान दें दोस्तों, इसको ज्यादा लाल नहीं करना है, कम ही करना है। अभी हम गोभी डाल रहे हैं। गोभी को हम स्लो आंच में पकाएंगे। गैस को स्लो कर देते हैं। इसमें पानी है, भून भी नहीं पड़ेगा। इसको हम ढक्कन रख के पकाएंगे, भाप से पकाएंगे। पानी डालेंगे तो स्वाद बिगड़ जाएगा, ऐसे बनाएंगे तो बहुत टेस्टी बनता है। अब हम ढक्कन लगा देते हैं, स्लो आंच में हम पकाएंगे। हमने एक कटोरी आटा लिए है, हम दो कटोरी लेंगे। आप अपने फैमिली के हिसाब से बढ़ा सकते हैं। और आटे में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। आटे में थोड़ा सा अजवाइन डालेंगे, आधा चम्मच। और हम थोड़ा सा तेल डालेंगे, लगभग 50 ग्राम, दो बड़ा चम्मच है। अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम गूथेंगे नॉर्मल आटे के जैसे, जैसे हम रोटी के आटा बना गूथते हैं वैसे ही हमें गूथना है। दोस्तों इसमें गोभी को हमको बीच बीच में चलाना है, नहीं तो पकड़ लेगा। गोभी पक रहा है तब तक हम आटा गूंथ लेते हैं। हमने आटे को अच्छे से गूथ लिए हैं, नॉर्मल आटे के जैसे हमने गूथा है, जैसे रोटी हम बनाते हैं। अभी हम पूड़ी के जैसे छोटे छोटे लोई लेंगे, ऐसे ही हम बाकी के लोइये बना लेंगे और पूड़ी बेल लेंगे भुजिया के। दोस्तों हमने मूंगफली के छिलके उतार लिए हैं, अब हम एक मिक्सर के जार में डालेंगे। अभी हम पीसेंगे। गोभी अभी हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, गोभी अच्छे से पक गया है। अभी हम एक चम्मच हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, छोटा चम्मच। और नमक हम स्वाद अनुसार थोड़ा नमक डाल रहे हैं। हमने दो मैगी मसाला लिए हैं, आप चाहे तो सब्जी मसाला डाल सकते हैं, मैगी मसाला थोड़ा बच्चों का चटपटा लगता है। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं, मैंने हरा मिर्ची डाले हैं, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाले हैं। दो मिनट हो गया, गैस बंद कर दिए। उतार ले रहे हैं गैस पर। अभी हम बारीक कटा हुआ धनिया डाल रहे हैं। अभी अच्छे से हम मिक्स कर ले रहे हैं। हम ऐसे पूड़ी की तरह बेल लेंगे अच्छे से। अभी हम बनाए देखिए कितना अच्छा बना है। अगर आपको सांचे में नहीं बनाना है तो हम हाथ से भी बना सकते हैं। उसे भी बना लिए अच्छे से। ऐसे ही हम बाकी के करंजी बना लेते हैं भुजिए। दोस्तों हमने सारे भुजिए बना लिए हैं और हमने कढ़ाई रख दी है गरम होने के लिए। तेल तेल गरम है, देखते हैं तेल गरम है। तेल गरम है, अब हम भुजिए को फ्राई करते हैं।
दोस्तों हमने मूंगफली गोभी के गुजिया बना लिए हैं। दोस्तों बहुत ही करारा बहुत ही कुरकुरा गुजिया बना है, ये बच्चों को बड़े को बहुत पसंद आता है। दोस्तों अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।